भाइयों और बहनों, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास और राज्य के विकास के लिए गांव का विकास, नगरों का विकास, ये बहुत आवश्यक है। गांवों का सही विकास तभी संभव है जब स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकास योजनाएं बने और उनको पूरी तरह अमल किया जाए। इसलिए बीते वर्षों में केंद्र की योजनाओं में हमने स्थानीय जरूरतों को बहुत ध्यान में रखा है। अब जैसे गरीबों के आवास से जुड़ी योजनाएं हो, जो पहले चलती थी, उनके नक्शे से लेकर मटेरियल तक सब कुछ दिल्ली में तय होता था, जबकि कार्बी आंगलोंग जैसे आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा अलग है, घरों के निर्माण से जुड़ी संस्कृति अलग है, मटेरियल की उपलब्धता अलग है। इसलिए एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना में यही किया गया कि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पैसे जाएंगे, इसके बाद वो लाभार्थी अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो खुद का घर बनाएगा और सीना तान करके दुनिया को कहेगा कि मेरा घर है, मैंने बनाया है। हमारे लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये कोई सरकार की कृपा का कार्यक्रम नहीं है। हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपनों का महल बनाने का सपना है, जो गरीब की इच्छा के अनुसार बनाने का सपना है। गांव के विकास में गांव के लोगों की अधिक भागीदारी की ये भावना हर घर जल योजना में भी है। घर घर जो पाइप से पानी पहुंच रहा है उसको गांव की पानी समितियां ही मैनेज करें, और उसमें भी समितियों में ज्यादातर माताएं बहने हो, क्योंकि पानी का महत्व क्या होता है वो माताएं बहना जितनी समझती है ना, इतनी मर्दों को समझ नहीं आती है। और इसलिए हमने माताओं बहनों को केंद्र में रख करके पानी की योजनाओं को बल दिया है। मुझे बताया गया है इस योजना के शुरू होने से पहले तक जहां 2% से भी कम गांवों के घरों में यहां पाइप से पानी पहुंचता था, अब लगभग 40% परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। मुझे विश्वास है जल्द ही जल्द असम के हर घर पाइप से जल पहुंचने लग जाएगा।